फ्रेंड्स, मैं ऋतु, आपकी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एडवाइजर। मेरे चैनल ऋतुस हेल्थ एंड केयर में आप सभी का स्वागत है। होप आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। दोस्तों, हमारे शरीर की तीन प्रकृति होती है, वात, पित्त और कफ। परेशानी तो तब होती है जब ये असंतुलित हो जाते हैं। ऐसे में आज हम वात दोष के बारे में बात करेंगे। इसके बिगड़ जाने पर हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में पित्त दोष के बारे में बताया था। आज मैं वात दोष के लक्षण और उसके समाधान के बारे में बताऊंगी। वात यानी कि आसान शब्दों में कहें तो हवा। शरीर में यदि कहीं भी दर्द होता है तो वह वात के प्रकोप से ही होता है। चाहे वह हड्डियों का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, सिर, कमर, गर्दन, एड़ी का दर्द हो, ऐसी लगभग 80 बीमारियां हैं जो वात के बढ़ जाने से होती हैं। वात का एक और प्रमुख लक्षण होता है रुक्षता यानी कि रूखापन, ड्राइनेस। जैसे बालों का रूखापन, स्कैल्प ड्राई होना, त्वचा की इलास्टिसिटी यानी कि स्निग्धता का खत्म हो जाना, स्किन, एड़ियां फटने लगती हैं, यहाँ तक कि आंतों में भी रूखापन आ जाता है जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन या हार्ट स्टूल बनने लगते हैं। शरीर का कॉम्प्लेक्शन भी सांवला या काला पड़ने लगता है। नींद का नहीं आना, एंग्जाइटी, दिमागी प्रॉब्लम, नमनेस, ये सब कुछ। चूंकि इसका मुख्य गुण रूखापन है तो यह नसों को भी सुखाती है। साइटिका का होना, फ्रोजन शोल्डर, लुब्रिकेंट का कम होना, यहाँ तक कि बोन के अंदर जो बोन मैरो होता है वह भी ड्राई होने लगता है जिसके कारण RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स काउंट कम होने लगते हैं। ब्लड प्रॉपर तरीके से नहीं बनता है जिसके कारण आदमी एनेमिक होने लगता है। चलिए दोस्तों, अब हम इसके उपाय के बारे में बात करें। क्योंकि वात से शरीर बहुत ड्राई हो जाता है, इसी कारण हम तेल का प्रयोग करते हैं। तिल का तेल बहुत ही फायदेमंद है। आप इसे हल्का गर्म करके रोज नहाने के पहले इससे मालिश कर सकते हैं। इसके अलावा एक कप पानी में 1 से 2 चम्मच तिल का तेल डालें और उसे पी लें। ऊपर से 2 घूंट पानी और पी लें। कुकिंग में भी आप तिल का तेल यूज कर सकते हैं। वात दोष में गुड़ का टुकड़ा लीजिए और एक चुटकी सौंठ। इसे मिक्स करके छोटी छोटी गोलियां बना लें और इसे आप खा सकते हैं। वात में आपको किसी भी फॉर्म में रिफाइंड फूड नहीं लेना है, जैसे मैदा, वाइट शुगर, रिफाइंड राइस और ब्रेड। इसके अलावा गोभी, आलू, बैगन, अरबी, राजमा, उड़द दाल, ये सब वाई वाले आइटम्स हैं। ये सब भी डाइट में शामिल ना करें। 8 से 10 ग्लास गुनगुना पानी आप पीजिए और साथ ही साथ हल्दी वाला दूध भी पी सकते हैं। अदरक का सेवन करें, ये बहुत ही अच्छा है। चाहे आप चाय बनाने के समय आप अदरक डाल सकते हैं। चना प्लस गुड़, ये आपके सिस्टम को रेगुलेट करेगा। 100 ग्राम चना और 50 ग्राम गुड़, ये आप खाइए। इससे आपका पूरा सिस्टम रेगुलेट हो जाएगा। इसमें आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, ये एक तरह का न्यूट्रिशन, कंप्लीट न्यूट्रिशन है। इसके अलावा आप एप्पल प्लस गुआवा भी ले सकते हैं। इन दोनों में फाइबर कंटेंट काफी मात्रा में पाया जाता है और साथ ही साथ B12 भी, ये आपके कॉन्स्टिपेशन में राहत देता है। एक और नुस्खा है अश्वगंधा पाउडर। अश्वगंधा पाउडर आप आधा चम्मच गर्म दूध के साथ लीजिए, मॉर्निंग में आफ्टर ब्रेकफास्ट और नाइट में डिनर के बाद। एक और चीज है जिसके प्रयोग करने से वात रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, घुटनों का दर्द, साइटिका, अर्थराइटिस, इन सबों को बहुत जल्दी हील करता है। इसका नाम है सेनोवा कर्क्यूमिन 500। ये कर्क्यूमिन एक्सट्रैक्ट है जो कि आपके जॉइंट हेल्थ पर बहुत अच्छा वर्क
वर्क करता है, चाहे स्किन की इन्फ्लेमेशन हो जैसे पिंपल वाली रेडनेस या सूजन, इस तरह की इन्फ्लेमेशन हो, चाहे जोड़ों की इन्फ्लेमेशन हो, ये दोनों तरह की सूजन पर काम करता है। यह बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और इसमें 11 तरह के एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में भी बहुत मदद करता है। यदि आपकी नसें कमजोर हो रही हैं, सेंसेशन कम हो रहा है, काफ मसल्स यानी कि पिंडलियों में दर्द रहता है, तो ये कर्क्यूमिन आपकी नसों को ताकत देगा और आपके सारे पेन को खींच लेगा। लीवर हेल्थ और हार्ट हेल्थ के लिए तो ये टॉनिक की तरह काम करता है। कर्क्यूमिन एक तरह का कंपाउंड है जो हल्दी में पाया जाता है, पर बहुत थोड़ी मात्रा में पाया जाता है और हमारी बॉडी हल्दी से कर्क्यूमिन को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। सेनोवा कर्क्यूमिन 500 में 30x एक्टिव्स हैं, जिससे शरीर में कर्क्यूमिन फास्ट एब्जॉर्ब होता है। इसमें पिपरेंट भी होता है जो कि कर्क्यूमिन को 20 टाइम्स फास्टर एब्जॉर्ब करता है। एंड और इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होने के कारण झुर्रियों को भी आने से रोकता है। इसे एक कैप्सूल सुबह नाश्ते के बाद पानी के साथ लेना है और एक कैप्सूल डिनर के बाद लेना है। सेनोवा कर्क्यूमिन अवेलेबल है अमेजन, फ्लिपकार्ट और सेनोवा की वेबसाइट पर। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी अलाइव।